वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, मित्रों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वृश्चिक राशि वालों, ईश्वर से आपके लिए दिन रात गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, किसी के घर इतना धन दौलत की पेटी बरसे या ना बरसे, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए कोई न तरसे। प्रभु हमारी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। वृश्चिक राशि वालों, देवों के देव भगवान महादेव जी गुस्से से लाल हो चुके हैं। मांग लो जो जो मांगना है। आज दोपहर 3:58 बजे के बाद देवों के देव भगवान महादेव जी आपकी खाली झोली भरने वाले हैं। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, ऐसी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है जो कि वृश्चिक राशि वालों सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 3:58 बजे के बाद एक प्रकार से यूं कहें तो पूरे 5 करोड़ की संपत्ति हाथ लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जो घमंडी होगा वही इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा और वो बाद में बहुत पछताएगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आज दोपहर 3:58 बजे के बाद आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, केवल नसीब वाला ही आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख पाएगा। दोस्तों इस तरह के वीडियो बार बार नहीं बनती है और ना ही ग्रह गोचर ऐसे साथ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 3:58 बजे के बाद जो चीज आपको मिलने वाले हैं, जो परिवर्तन आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं, सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। हमारे गुरुजी ने ग्रह गोचर के साथ साथ पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद, पंचांग गणना करने के बाद वीडियो तैयार किए हैं। इन बदलती ग्रहों की चाल के आधार पर हम आपको बताएंगे आज दोपहर 3:58 बजे के बाद आपकी जिंदगी में कौन कौन से बदलाव लेकर आने वाले हैं, किस तरह से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, किस तरह से आपका सोया हुआ किस्मत जगेगा, देवों के देव महादेव जी किस तरह से आपको दुश्मनों से छुटकारा दिलाएंगे, सारा चीज इसी वीडियो के अंदर दिया गया है। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। थोड़ा सा समय देकर अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान महादेव जी के सच्चे शिव भक्त हैं तो आप सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपका एक भी काम अधूरा नहीं रहेगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। वृश्चिक राशि वालों, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आज दोपहर 3:58 बजे के बाद मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहे तो पूरे 5 करोड़ की संपत्ति आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 3:58 बजे के बाद एक ऐसा योग आपकी कुंडली में बनने जा रही है जिससे कि दोस्तों आपकी किस्मत को बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, आज का यह जो समय है आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों जिस चीज की आपको तलाश थी, जिस चीज की आपको जरूरत थी, वो चीज आज आपको मिलने वाला है। लेकिन खुद को शांत रखना होगा। जी हाँ, किसी भी हालात में अपने दिल की बात को दूसरों के दिल तक उतरने मत देना। देखिए दोस्तों, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। एक बात हमेशा याद रखना, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं चलता है, और जो हमेशा तक मिलता है वो आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मशक्कत लगानी पड़ती है।
एक तरफ से ये जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। इसलिए अपने आप मन को आवारा नहीं, अपने मन को अपनी गुलाम बनाओ। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, गुरुजी आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने करीबियों का सहयोग बना रहेगा और आप अपनी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में लाभ उठाएंगे। परिजनों से आपकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। यदि आपने कामों में जल्दबाजी दिखाई तो वह आपको समस्या दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, शांति मन से काम कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो आज उसके परिणाम आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में धैर्य बनाए रखने के लिए रहेगा। और आप कार्य क्षेत्र में यदि किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतिएगा। बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे आप उस पर हस्ताक्षर ना करें, नहीं तो आज आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। जी हाँ, आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आपको खुशी होगी, आपको एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्ति होगी। जी हाँ, और आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना आज पूरा हो सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, कुछ नवीन विषयों में आज गति आएगी। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, लेन देन के मामले में आज आपको थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। खासकर अगर आप किसी को उधार रुपया पैसा धन दौलत दे रहे हैं तो सावधानी पूर्वक दीजिएगा, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आज आप भावनाओं में किसी से कोई वादा ना करें। जी हाँ, नहीं तो आप उस वादे को पूरे नहीं कर पाएंगे और कुछ लोग आपसे नाराज हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी योग्यता से किसी काम को समय से पहले पूरा कर देंगे और अगर आप समय पर काम करेंगे तो उस काम का जो है रिजल्ट, परिणाम, फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कैरियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिले तो आप उसे तुरंत लीक ना करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो दिक्कत होगा। आज किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा, प्रतिस्पर्धा का भाव आपके अंदर बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, सेहत के मामले में समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा, बाहर के खान पान से आप बचकर रहिएगा, ज़्यादातर तला भुना जो है फास्ट फूड खाने से बचिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। जितना हो सके घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए बिजनेस के मामले में थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा। जी हाँ, उतना कमजोर नहीं रहेगा लेकिन फिर भी कमजोर रहेगा। व्यक्तिगत मामलों को गति मिलेगी और आप किसी बड़े लक्ष्य को तेजी से पूरा करेंगे। बड़े सदस्यों का सहयोग और सानिध्य मिलने से आप हर मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। जीवन साथी के कैरियर में आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है और ना ही डरना है। जी हाँ दोस्तों, समस्याएं तो आएंगे जाएंगे क्योंकि उनका आना जाना लगा रहता है, कभी भी उनसे डरना नहीं है। आपकी तरक्की के मार्ग में आपके कुछ विरोधी विरोध कर सकते हैं
जी हाँ दोस्तों, उनसे आपको सावधान रहना होगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मनोरंजन के कार्यक्रमों में भी समय बिताएंगे। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में जो है पढ़ने से बचने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वाद विवाद लड़ाई झगड़े के आसार बन रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपके निरंतर किए गए प्रयास आज सफल होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में अपनी कुछ योजनाओं को धन लगाने से जो है बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों उसका अच्छा खासा रिटर्न आपको आगे चलकर मिलेगा। और परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो उसके लिए आज आप परिजनों से बातचीत कर सकती हैं। और देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी वह समस्या दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें, तभी वह समय पर पूरे कर सकेंगे। जी हाँ, और किसी सरकारी काम में आपके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, गलतियों से डरना नहीं है, जो इंसान सच्चे दिल से काम करता है गलती उसी से होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं, सच्चे दिल से काम कर रहे हैं, तो गलतियों से आपको डरना नहीं है। जी हाँ, उन गलतियों से आपको सीख लेकर आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी आपको हमेशा की तरह खुशहाल रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, निरोगी रखे। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेन देन के मामले में आज आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि दोस्तों आज आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा बन रही है, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। लेकिन आज आप अपने धन को निवेश कर रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, तो आज के दिन जरा सावधान रहिएगा। कार्य क्षेत्र में आज आप अधिकारियों से किसी बात पर नाराज हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों आपको नाराज नहीं होना है, नहीं तो दोस्तों आपका बने बनाए कार्य बिगड़ सकता है। आप उनके द्वारा दिए गए काम को समय पर पूरा करें। यदि आपने अपने मन की बात किसी बाहरी व्यक्ति से शेयर की तो वह बाद में आपका मजाक बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको किसी काम को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुछ अजनबी लोगों से मुलाकातें होगी। आपके मन की इच्छा आज पूर्ति होने से आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों आज का जो दिन है आपके लिए किसी नई संपत्ति की प्राप्ति के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भूमि, वाहन, मकान आदि की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उसके सभी पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें। देखिए दोस्तों, अस्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। साझेदारी में यदि किसी काम को करने में आप पूरी रुचि दिखाएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याएं आज दूर होंगी। जो समस्या बहुत लंबे से पांव पसारे हुए थे, कलह कलेश बात विवाद की समस्या थी, तो वह अब आपके जीवन काल से हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे की बातों को सुनेंगे व समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी जिम्मेदारियों से घबराना नहीं है। जी हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, उन्हें समय रहते पूरा करने की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी वह काम आपका बन पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लापरवाही करेंगे या फिर उसे कल पर टालेंगे तो वह हमेशा के लिए पेंडिंग में रह सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो काम उसी समय के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों
आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी मेहनत और लगन से जुटे नजर आएंगे, जिससे उनका काफी ज्यादा लाभ होगा और पढ़ाई का पूरा पूरा फल मिलेगा आने वाले समय में। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोग अपने कामों से अपने सीनियर को काफी ज्यादा प्रसन्न रखेंगे, लेकिन आपको किसी पर अधिक विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन खुद से ज्यादा भरोसा किसी के ऊपर ना करें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। जी हाँ, जो आपको अच्छा लगेगा वही करिएगा, उसी में आपको संतुष्टि मिलेगी और उसी में आपको खुशी मिलेगी। आपको अपने किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, वह जल्दी वह किसी की बातों में न आए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज आपकी अध्ययन व अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और आपको यदि धन संपत्ति कोई समस्या चल रही थी तो वह उनके मित्र की मदद से दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, मित्रों के साथ आप किसी पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि दोस्तों आज बात विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आप वरिष्ठ सदस्यों से बिजनेस संबंधित कोई मदद ले सकते हैं और आपके कुछ काम यदि लंबे समय से लटके हुए थे तो वो भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। निजी मामलों में आप सावधानी बरतें, नहीं तो कोई आपको गुमराह कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आज के दिन कोई ईश्वर भक्ति के नाम पर आपसे रुपया पैसा ठग सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप अपने किसी मित्र की बातों में आकर किसी लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं, जिससे आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लड़ाई झगड़े आपको बिल्कुल नहीं करना है, उनसे दूरी बनाकर रखना है और कोई भी बात जब तक आप पूरी जांच पड़ताल ना कर लें, अच्छे से ना समझ लें, तब तक आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पारिवारिक विषयों में पूरी सक्रियता दिखाएंगे, आपके शांतिक सुख के साधनों में वृद्धि होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने व्यापार में कुछ नई योजनाओं को लॉन्च करने के लिए प्लानिंग कर सकती हैं। आपकी आय बढ़ने से आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार के सदस्यों को भी कुछ समय देंगे, जिनसे आप कुछ जरूरी कामों को लेकर बातचीत कर सकती हैं। संतान के किसी परीक्षा के परिणाम आने से घर में खुशियां बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और आज का दिन आपके लिए जन कल्याण के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। सामाजिक जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे और आपको लाभ के चक्कर में किसी बड़े लाभ को हाथ में लेने से आने देने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप कुछ नए लोगों से भी मेल जोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और भाई बंधुओं की भावना आज बढ़ेगी और कुछ कामों को लेकर व्यस्तता आज आपके ऊपर बनी रहेगी। आप धर्म कर्म के मामले में आगे बढ़ेंगे और जो है काफी ज्यादा आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन आज गलत फहमी से बचिएगा, क्योंकि गलत फहमी की वजह से आपसे कोई बड़ी गलती हो सकता है, इसलिए थोड़ा डाउट से बचिएगा। बाकी समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब